हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। तो गाइस सभी जगह सुबह का टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 9:40। तो गाइस नाइन फिफ्टी हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, 9:40 बोल रहा हूँ, 9:50 हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मेरा बनाना शेक आ चुका है और कुछ बोलते हैं कमेंट में कि रोज बनाना करते हो, तो रोज़ सुबह से बनाना शेक पीते हैं तो डेली रूटीन दिखाते हो तो यही दिखता है ना। सबसे पहले रूटीन में सबसे पहले यही है हमारा, सुबह उठते ही से बनाना शेक। और गाइस आज मम्मी से हमने बोल दिया कि बिल्कुल ठंडा दूध मत डालना, क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है कि हमारे गले में अभी खराश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गले में दिक्कत है, तो ज़्यादा ठंडा ठंडा पियेंगे तो और दिक्कत होगी, इसलिए हमने मना कर दिया था। तो गाइस आज ऐसा ही आया है। और ये पंखा वंखा क्यों बंद है यार, इतनी गर्मी लग रही। कूलर चलो, कूलर नहीं चल रहे हैं तो पंखा चलाओ यार। बाहर देख नहीं रहा कितनी ख़तरनाक धूप निकली है। ये सायरन सुना है भैया, हमारे इधर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कपड़े उतारो तो सूख जाते हैं और पहनो तो भीग जाते हैं, समझ रहे हो ना, उतारो तो सूख जाते हैं और पहनो तो भीग जाते हैं। पहनने से कैसे भीग जाते हैं, कैसे गीले हो जाते हैं, पसीने से, इतना गर्मी है, इतना पसीना आता है, और उतारो तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो सूख जाते हैं। समझ नहीं आता क्या सिस्टम चल रहा है। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चलो जल्दी से बनाना से पीते हैं, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं। गाइस तो यहाँ पर मैंने अपनी लाइव कर ली है और गाइस अब मैं रेडी हो चुका हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे पता नहीं मम्मा क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। रामायण पढ़ने से पहले जो वो पढ़ना पड़ता है ना, जो ही सुमिरन ऋषि हुई, हाँ, तो इसके लिए हमें अलग से इस वाली रामायण को उठाना पड़ता था, फिर उस वाली रामायण में रामायण करते थे। हाँ, इसको पेज में लिख ले रहे हैं, फिर इसको हमें बार बार उठाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो पहले खाना दे दो। बस हो ही गया ना, बहुत तेज भूख लगी है मम्मा, मेरे को खाना नहीं दे रही, बहुत तेज भूख लगी है गाइस। तो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, तो चलो लाइट जला लेते हैं, मेरे को अंधेरा पसंद नहीं है। और ये पेड़ अंदर कैसे आ गया, आए ये पेड़ मेरे ख्याल से बाहर था। इसके पत्ते देखो कैसे सूख रहे हैं यार, गर्मी का मौसम बड़ा बेकार है, बेचारे पेड़ सूख जाते हैं, हम भी सूख चुके हैं खाने के बिना। चलो भाई टीवी में कुछ लगाते हैं अच्छा सा और इसको देखते देखते मस्त खाना खाएंगे। तो मिलते हैं गाइस आप लोग से थोड़ी देर बाद। आप सब कैसे हैं, हम तो अच्छे हैं, क्योंकि और आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। और गाइस सुबह से उठ के हम नाश्ता तो करते नहीं हैं, है ना, तो हम तो सिर्फ और नाश्ता में हम फालतू की चीज़ें करते नहीं हैं। हमें सुबह से चाहिए रहते हैं दाल और इसमें लगा हुआ है चावल। तो गाइस मैं सबसे पहले ना दाल चावल खाती हूँ, काम हमारा हो गया है, दाल चावल खाएंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, क्योंकि गाइस हमारा होता है ब्लड प्रेशर लो, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ खाने के बाद अपना ओरोफर ये दवाई पीना पड़ती है। ये ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर देती है, इसीलिए ना हमें ये पीना बहुत ज़रूरी रहता है। ये दवाई हमें हमारे पापा ने बताई थी। और गाइस हमारी सब्जी भी तैयारी हो रही है, चढ़ गई है, बस आटा गूंथ के रखेंगे फिर जाएंगे नहाना के लिए। और गाइस इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है ना गाइस, की गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या यहीं पे रात के रह जाना है, गर्मी को जाना भी है कि नहीं जाना, लगता तो ऐसे ही है कि यही उसको अच्छा लग रहा है ना, जाएगी नहीं। गाइस पंखा चला चला के खाना बना रहे हैं। अच्छा अच्छा गाइस एक मिनट गाइस,
कहने का इसको स्टॉप करना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाती है, कॉपीराइट आ जाती है, इसीलिए इसको स्टॉप करना पड़ता है। और गाइस हमारे पेड़ों को भी बहुत बुरी हालत, देखिए ये भी जल रहे हैं, ये देखो गर्मी के कारण सबकी हालत ख़राब हो रही है। सब यहाँ जो लगा हुआ था ना गाइस वो तो बिल्कुल ही चला गया, ये देखो। और इन मनी प्लांटों के पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? नहा लो जाके, नहा लो, पूजा कर लो। और गाइस आपका ये देखिए ब्लॉगर अब लाइव करने के लिए तैयार हो रहा है गाइस। गाइस आज मैंने गोल बिंदी लगाई हुई है, देखिए देखिए देखिए, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। क्या बोला? एक डंगे खींच के बट यू आर लुकिंग लाइक अ पोपट मोरिंग में खींच के पोपट अपनी वही वाली बिंदी लगा, पोपट लगाई गाइस, पोपट लग रहे हम इस गोल बिंदी में। हाँ कमेंट करके बताइएगा, कोई कमेंट नहीं करता, गजब बेइज्जती है। आप करे चाहे ना करे, बोलना तो पड़ जाए ना, है ना। चलो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। गाइस यहाँ पर अपना खाना आ चुका है और गाइस ऐसा लग रहा है कि इस खाने को कब खा लें हम, क्योंकि इतनी तेज भूख लगी है ना गाइस, इतनी तेज। तो आज अपन ने लौकी की सब्जी बनवाई है और गाइस ये है चावल, दाल और पापड़। और गाइस ये है गेहूं में डालने वाली गोली जिससे कीड़े ना होए गेहूं में। और गाइस अगर इसको कोई खा लेता है तो कोई आता है, खाने के साथ रखा है मेरे खाने के साथ रखा है, बहुत डेंजरस चीज़, तो इसको दूर रखो मेरे खाने से। और गाइस मेरा पानी भी आ चुका है, तो चलो गाइस जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगी है बहुत तेज़ भूख। मिलते हैं आप लोग से खाना खाने के बाद। गाइस तो मैं जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो चलो गाइस अपन चलते हैं जिम। बैग टांग लिया है, यहाँ बहुत आवाज़ हो रही है, गाड़ी खराब ले रही है, मेरे पापा पता नहीं कुर्ता मुर्ता पहन के कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने जिम, अभी चप्पल पहन के जाएंगे, वहाँ पे जूते पहन लेंगे। चलो चलते हैं, मिलते हैं आप लोग जिम से आने के बाद बॉडी बना के। गाइस तो यहाँ पर मैं जिम से होकर आ चुका हूँ, हाँ आज तो लेग डे था पर मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं थका नहीं हूँ। तो गाइस सबको सुनसान क्यों है, यहाँ गेट क्यों लगे हुए हैं, हैं गेट लगे हैं, गेट क्यों लगे हैं, गेट लगे हैं गाइस, मम्मी और पापा घर पे नहीं है लगता है। मम्मी आज बोल रही थी कि नानी के घर जाना है, लगता है नानी के घर चली गई, तो चलो गाइस अपन भी चलते हैं। बैग अपन यहाँ रख ही देते हैं अपना ये वाला और अपन चलते हैं नानी के घर पे। हाँ तो मिलते हैं गाइस आप लोग से नानी के घर पे। गाइस तो हम वापस घर आ चुके हैं, हमने आप लोग से बोला था कि गाइस आप लोग से मिलेंगे नानी के घर पे, पर गाइस नानी के घर पे गए तो थे पर वहाँ पे मम्मा और नानी थी ही नहीं, ताला डला था। मैंने कहा यार जिधर भी जा रहा हूँ ताला डला है, क्योंकि मम्मी और नानी गई थी। छुपकली का बच्चा, छुपकली का बच्चा बोलते, ये देखो गाइस छुपकली का बच्चा भाग रहा है, भाग गया, ससुर का नाती हमको डरा के भाग गया। हमको बहुत ही डर लगता है छुपकलियों से, इतने सारे छुपकली के बच्चे आ कहाँ से रहे हैं।
हाँ तो गाइस, तो वो लोग नहीं थे, तो फिर बाद में वो पार्क गया, वो लोग पार्क में थे, फिर मैंने वहाँ से मम्मी से चाबी मंगाई और आ गया घर। तो अब तो मस्त एसी में लेटने वाले हैं क्योंकि पसीने पसीने हो गए, वैसे ही लैग डे था और इतनी बैंड बज गई। चलो जल्दी से पसीने वाले मतलब एसी वाले कमरे में चलते हैं। खाना खाने में सब भूल गए पूरा, पानी भरा हुआ पानी क्या है पानी, ये पूरा नदी बन गया है इधर। जबरदस्ती का एक काम बढ़ा दिया हमारा, पूरा यहाँ पर क्या हुआ, क्या हो गया है, क्या हो गया, भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नदी भर दी है पापा ने, तो वो ही सूख सूख के बाहर कर रहे हैं। क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या? नहीं। कैसे नहीं, बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हम देखने आए थे क्या कर रहे हैं, बाहर आए तो गर्मी लग रही है, कहीं चला दिए थे तो पहला बाहर आने का मन नहीं करता। झूठ बोल रहा है, मैं बता रहा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही तेरे को कुछ? प्रॉब्लम हो रही एकदम मस्त हूँ मैं, जिम करके आया हूँ, जल्दी से खाना लाओ मेरे लिए। कुछ गलत मलत कसरत कर ली क्या? मन के बहकावे में ना लात मारेंगे भी सब निकल आएगा। तू अपना दास बना ले, तू ऐसे मन का दास ना बन, तू मन को तू अपना दास बना ले। लगता है कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ली तो पागल हो गया है थोड़ा, ये पागल हो गया है। जल्दी से हमें खाना दो वो, और हमारे लिए तो मोबाइल में वीडियोस चाहिए। गाइस तो यहाँ पर मैं थोड़े गाने सुन रहा था, देखो तो इनको स्टॉप कर दे दे नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। मस्त माइंड रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन रहा था, देखो माइंड रिलैक्सिंग सॉन्ग अच्छा लगता है, मस्त अकेले बैठ के मस्त माइंड रिलैक्स वाले सॉन्ग सुनो। तो गाइस यहाँ पे तो मैं इस गाने सुन रहा था, माइंड रिलैक्स कर रहा था। तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड कर दे गाइस, क्योंकि आप लोग का भी माइंड रिलैक्स हो गया होगा क्योंकि हम लोग इतना फन करा है आज के ब्लॉग में। तो गाइस इसी बात पे, हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।